नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षता मिश्रा। होली पर्व के दौरान जिले में नकली मावा खपाने की तैयारियां चल रही थीं। धनवंतरी नगर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने सिवनी से जिले में लाया जा रहा नकली मावा जब्त किया है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी, शुभम रजक नाम का युवक सिवनी से नकली मावा लेकर आ रहा है, पल्सर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। शुभम रजक को गिरफ्तार किया गया है। खाद्य विभाग के साथ धनवंतरी नगर पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 60 किलो नकली मावा बरामद हुआ है। शुभम रजक अपनी बाइक में 10-10 किलो की गठरी बनाकर मावा लेकर आ रहा था। उसके पास से 6 गठरी बरामद हुई है। यूरिया खाद की बोरियों में गठरी बनाकर ये नकली मावा जिले में लाया जा रहा था। पुलिस ने मावा जब्त कर लिया है। खाद्य विभाग में जब्त मावे को भोपाल जांच के लिए भेजा है। गिरफ्तार शुभम रजक पर कार्यवाही की जा रही है। आज कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई क्या है? आज दिनांक 26/3/2020 को हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो अपनी दोपहिया वाहन जिसका नंबर MP22 MK 8403 है, उससे सिवनी की तरफ से बाइक में सफ़ेद रंग की कठारी यूरिया खाद की बोरी की कठारी बनाकर उसमें नकली मावा लेकर जबलपुर शहर की तरफ आ रहा है। वो धनवंतरी नगर होकर बाजार तरफ जाएगा। उस सूचना पर हमने इसका विधिवत कार्रवाई करते हुए खाद्य अधिकारी श्री झारिया साहब के साथ इसमें कार्रवाई की है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितने लोग थे? सिंगल लड़का था जो अपनी बाइक पे कठारी पे सूचना अनुसार 6 सफ़ेद रंग की छोटी छोटी पन्नियों में 10 किलो की पन्नियों में मावा लेकर आया था। उसकी तलाशी लिया हमने। सूचना हमारी सही हुई, उसमें हमने विधिवत कार्रवाई किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है उसका।